ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंथ। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से काफ़ी तेज़ी से तत्काल टिकट आप किस प्रकार बुक कर सकते हैं। आपको ट्रिक्स बताने वाला, उस ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है जिसकी मदद से आप लोग तत्काल टिकट काफ़ी तेज़ी से बुक कर सकते हैं। और बुक करते समय आप लोग क्या क्या गलती करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या, सबसे पहले यदि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो अपने मोबाइल फ़ोन में आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट आ चुका है। तो सबसे पहले आपको अपडेट करना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, काफ़ी टाइम पहले ही IRCTC रेल कनेक्ट ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए होते हैं उसी एप्लीकेशन से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक गलती नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है। जब आप अपडेट कर लेते हैं तो आपको क्या करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसे मैं अपडेट हो जाने देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट हो चुका है, ओपन का भी ऑप्शन आ चुका है। तो इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल का सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऐप फाइल एक मिल जाएगा, सिंपल क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमें काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जितने हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मैं सर्च करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे लोड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को। तो मैं हमें देख लेता हूँ कहाँ पर है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। यहाँ पर मैं क्लिक करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में। इसके बाद परमिशन पर क्लिक करेंगे, सॉरी इसे हम बैक कर लेते हैं। स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर कैच का। सिंपल पे क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेशन को भी क्लियर कैच कर लेना है क्योंकि काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं जो क्लियर कैच नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा एप्लीकेशन जो है स्लो वर्क करता है। तो इन बात को आपको ध्यान रखना है जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद प्ले स्टोर ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें ओपन करना है। तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, प्ले स्टोर से IRCTC एप्लीकेशन को अपडेट करना है। और सेकेंड में सेटिंग में जाने के बाद ऐप सर्च करना है। इसके बाद IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को क्लियर कैच कर लेना, इससे आपको एप्लीकेशन जो है काफ़ी फास्ट वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो कोशिश कीजिए आप लोग वाईफाई से बुक करने की, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं मोबाइल के डाटा से ही तत्काल टिकट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनसे भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई यूज किया कीजिए। कम से कम 50 से 60 Mbps स्पीड होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे 10 Mbps या 15 Mbps स्पीड में हम तत्काल टिकट बुक कर लें हाई रूट में तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद सिंपल में यूजर नेम पासवर्ड फिल करना है। इसके बाद आपको कैप्चर फिल करना है, तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। आपको लॉगिन किस टाइम करना हो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जब भी आप लॉगिन करेंगे, एसी टिकट बुक करना हो या फिर स्लीपर टिकट बुक करना हो, तो आपको एक मिनट पहले आपको बुक करना है, सॉरी पहले आपको लॉगिन करना है। यदि आप 2 मिनट 2.5 मिनट पहले लॉगिन करेंगे तो आपको दो प्रकार के एरर देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट में आपको IRCTC पेज जो है आपका लॉग आउट हो सकता है, और सेकेंड में अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर के कुछ इस तरह के एरर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरर देखने को हमें मिल रहा है। तो इस एरर से और लॉग आउट से बचने के लिए आपको यही करना है, आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड या एक मिनट पहले आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ देख सकते हो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, माई अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माई मास्टर लिस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपका मास्टर लिस्ट यहाँ से कर लेना है। तो ये पोर्शन जब मास्टर लिस्ट जो करेंगे तो आपको 1 से 2 घंटा पहले ही करना है। तो सिंपल क्या करना है, ऐड मास्टर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सॉरी ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सिंपल नेम सर्च करना है, टाइप करना है। तो मैं फटाफट नाम भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो मैं सोनू टाइप करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो जो कि आपका आधार कार्ड से चेक कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके बाद बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप चाहे तो बैक भी कर सकते हैं। तो इन बात को ध्यान रखना है। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको बर्थ का ऑप्शन आता है। तो हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, बर्थ सेलेक्ट कर देते हैं। तो हम लोगों को बर्थ कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है जब हम तत्काल टिकट बुक कर रहे होंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आप क्या का गलती करते हैं, मान लो कि आप लोअर बर्थ सेलेक्ट कर लिया है और तत्काल टिकट बुक कर रहे होते हैं और लोअर बर्थ अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारे प्रोसेस में लग जाता है। तो इसलिए भी हमारा तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाता है। इसके बाद हम इसे
ऐड डन करेंगे। तो देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल मेरा सेव हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे तो आपको करना क्या है, सो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल पहले। इसके बाद आपको मैंने बताया था इससे पहले ही 30 से 40 सेकंड पहले आपको लॉगिन करना है और 1 से 2 घंटा पहले आपको मास्टर लिस्ट ऐड कर लेना है। इसके बाद मैं सिंपल मैं प्लान बाई जोनी पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मान लो कि नई दिल्ली से सिवान के लिए हमें टिकट बुक करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें तत्काल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करने के बाद हम इस पेज पे तो ऑलरेडी पहले ही आ गए रहेंगे। जैसे ही 11:01 से 2 सेकंड होता है तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। 11 बजे से पहले नहीं करना है, नहीं तो आपको प्रोसेस में टाइम लग जाएंगे। इसके बाद सिंपल करना क्या है, जो ट्रेन आपको सेलेक्ट करना है सिंपल आपको सेलेक्ट करना है स्लीपर क्लास बुक करना है स्लीपर। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी मास्टर लिस्ट में सेव कर चुका हूँ, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे मास्टर लिस्ट पे जो फटाफट में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। जब तत्काल टिकट बुक करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना है आपको 2 नाम ही बुक करना है, यानी आप सोच रहे हो 3 से 4 नाम हम बुक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है आजकल, यदि 1 से 2 नाम टिकट बुक करेंगे तो आपको प्रोसेस में जो है 30 से 40 सेकंड लेगा, यदि 3 से 4 नाम बुक करेंगे तो 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लग सकता है, तो यहाँ पे आपको 20 सेकंड बर्बाद हो सकता है। इसकी वजह से भी आप लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते, तो इन बात को भी ध्यान रखना है, यानी कि तत्काल टिकट आप जब भी बुक करें तो 2 नाम ही बुक करें। इसके बाद सिंपल आपको करना क्या, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पैसेंजर डिटेल फिल कर लिया हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जो मोबाइल नंबर इसमें ऑलरेडी सेव है वही रहने देना है। सिंपल आपको जहाँ जाना है, जैसे मान लो सिवान आपको बिहार में पड़ता है, बिहार टाइप करना है, और सिंपल आपको एरिया पिन कोड डाल देना है। मैं फटाफट टाइप करता हूँ तो देख सकते हैं मैं एरिया पिन कोड डाल चुका हूँ। इसके बाद आप यहाँ पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो कोई भी आपको पोस्ट ऑफिस जल्दी में सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पर भी कुछ लोग मिस्टेक कर लेता है, पोस्ट ऑफिस करेक्ट सेलेक्ट करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से भी यहाँ पे 5-7 सेकंड बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है। इसके बाद इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल आपको जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली आप पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपको एक बार ध्यान रखना है पेटीएम ही सेलेक्ट करें, क्योंकि अदर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वॉलेट में तो आपको टाइम लग सकता है, तो पेटीएम वॉलेट सेलेक्ट करना है। सिंपल आपको पे क्लिक करना है। जैसे ही पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने इस मोबाइल नंबर से पेटीएम नहीं बना रखा, इसलिए नहीं सेलेक्ट हो रहा है। अतः आपका यदि मोबाइल नंबर इस नंबर से ऑलरेडी बना होगा तो आपको सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी भी आ जाएगा। सिंपल आपको करना क्या, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इसके बाद कॉपी करना है यहाँ से और सिंपल आपको पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लेना है। जैसे ट्रू कॉलर डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जो आएंगे तो ओटीपी आपको कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपल आपको कॉपी करना है और उसके बाद सिंपल आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद सिंपल आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका तत्काल टिकट कन्फर्म बुक हो जाएंगे। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।